नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। ओवरलोड बालू के परिवहन में छात्राओं का चक्का जाम, किसी भी दिन हो सकती है ओवरलोड वाहनों से कोई अप्रिय घटना। प्रतिदिन विद्यालय जाने के समय निकलते हैं ओवरलोड ट्रक, जिम्मेदार प्रशासनिक तंत्र भी देखकर करते हैं अनदेखा। सूबे में सत्ता पक्ष की सरकार की पारदर्शिता कार्यप्रणाली पर अत्यंत विराम क्यों लग जाता है, यह संबंधित प्रशासनिक एवं संलिप्त तंत्र ही जाने। जैसे कि विद्यालय छात्रों के आवागमन वाले रास्ते पर भी ओवरलोड बालू परिवहन करते हुए वाहन बेखौफ होकर चलते हैं, जिसको लेकर छात्राओं द्वारा सड़क को जाम कर कार्रवाई की मांग की है। ओवरलोड ट्रकों पर कार्रवाई की जाए, आंख मूंद कर निकलते हैं जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी, जैसे कि साफ साफ स्पष्ट हो रहा है, और कार्रवाई के नाम पर मात्र औपचारिक रस्म अदाई कार्रवाई से सिमट कर रह गई है। आदिल बेटा, यहाँ किस तरह का क्या आप लोग जाम लगाए, क्यों लगाए? अरे सर, हम लोग यहाँ से जा रहे थे तो जो हमारे अंकल हैं वो सेंट मैरिज काफी बच्चे लेके जा रहे थे, तो एक ट्रक वाले से उन्होंने बोला थोड़ा साइड कर लीजिए, तो वो कहने लगा कि नहीं हटो इधर से और पीछे निकाल चलो, तो उन्होंने हटाया नहीं, तो अंकल ने हमारे निकाला गाड़ी, तो निकाला वो नहीं निकाल पाए और लग गया धक्का, तो डंपर टूट गया उनकी गाड़ी का और उन्होंने तुरंत रोक दिया, नहीं तो बच्चे पलटने से गाड़ी बच गई है, बच्चों को नुकसान पहुंच सका था। तो आप लोग क्या चाहते हो, किस तरह की मांग है? न्याय मिलना चाहिए हमको। कहाँ बैठ के आप लोग क्या कर रहे हो अभी? अब हमारे पेपर थे स्कूल के। यहाँ रास्ते में आप लोग बैठे हो? क्यों बैठे हो? बोल नहीं पा रहा यार। ये बताइए क्या नाम है आपका? मेरा ब्रजेश कुमार है। अच्छा, क्यों लगाई जाम यहाँ पे, क्या वजह बताइए? हाँ, रोज ट्रक निकलते हैं, हम लोगों को दिक्कत होती है, कभी गाड़ियाँ यहाँ से आती हैं तो ट्रक वाले वजह से दिक्कत। कितनी देर से बैठे हैं आप यहाँ? काफी टाइम हो गया। किस तरह खतरा है आप लोगों को यहाँ? एक्सीडेंट का भी है और फिजिकल मॉर्निंग टाइम में आना पड़ता है, और यहाँ ट्रक की वजह से हम लोग निकल भी नहीं पाते, कभी कभार जाम इतना लग जाता है कि हम लोग आने जाने में हम लोग बहुत दिक्कत होती है। और आज भी कोई घटना हुई है क्या? हाँ, आज मैं जब सुबह आ रही थी तब तो ट्रक यहाँ से भी साइड से, रोड भी छोटा है, ज्यादा दौड़ नहीं है, तो मैं बीच से निकली तो मुझे बहुत डर लग रहा था, और छोटे बच्चे भी आते हैं सुबह। तो क्या आज कोई घटना हुई है? Yes. क्या हुई है? वैन पलटने से बच गई बच्चों की, जिसमें पलट जाती थी तो चोट भी लग सकती थी और भी दुर्घटना। क्यों आप लोग रोड जाम किए थे? सर, हम लोग चाहते हैं यहाँ ट्रक ना चले, नो एंट्री हो। ट्रक चलने से क्या क्या नुकसान होती? सर, एक्सीडेंट करते हैं, और जैसे हम लोग आते हैं या कोई भी आता है वो लोग कमेंट करते हैं, ड्रिंक करते हैं और परेशान करते हैं। किस तरह का कमेंट सुना आपने? सर, वो लोग गाना अजीब टाइप गंदे गंदे लगाते हैं, भद्दे गाना लगाते हैं और कमेंट करते हैं, कभी कभी लड़कियों का पीछा भी करते हैं, और हम लोग मॉर्निंग टाइम पे आना पड़ता है। जिला प्रशासन से क्या आश्वासन मिला? हम चाहते हैं ट्रक न चले जब तक स्कूल कॉलेज चले, और रात में चले, हमें दिन में कोई वो नहीं है, दिन में न चले जब ट्रक बंद रहे हैं और ये रोड सही हो। अच्छा, अभी एसडीएम साहब आए तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने कहा था अभी सब ट्रक बंद हो जाएंगे और नाइट में चलेंगे, बोलता तो सबको ही ऐसे है, लेकिन जब हो ना तब। अगर नहीं बंद होगा तो आगे आप लोग क्या करेंगे? वो फिर आगे देखा जाएगा, फिर उसकी जिम्मेदार वो खुद होंगे। उनके द्वारा जो भी ओवरलोड ट्रक्स है उनके पास अब रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उनके खिलाफ वो एआरटीओ को बता दिया है वो सारे वो ट्रक्स को सीज करने के लिए, और आज से इसको इस तरह का ओवरलोड ट्रक्स को यहाँ पर आने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। जानकारी ये भी आ रही है कि जो बच्चे हैं उनकी अर्धवार्षिक परीक्षाएँ छूट गई हैं, वो परीक्षाओं से वंचित हो गए, ये जानकारी मिल रही है। कितने बताइए, कितने लगभग कितने ओवरलोड ट्रक अभी मौके पर मौजूद हैं? एआरटीओ को भेज दिया है, कितने पीछे हैं काफी सारे, तो गणना नहीं की गई है पूरी। बच्चों की क्या डिमांड कर रहे हैं? नहीं, यहाँ ओवरलोड ट्रक्स को इसी रास्ते में जाने नहीं देना है, इनसे वो परेशान होते हैं। क्या मैडम, इसमें ओवरलोड में लगातार कार्रवाई होती रहेगी, केवल फॉर्मेलिटी के लिए ओवरलोड में हो रही कार्रवाई?
लगातार कार्रवाई होगी कि ये फॉर्मेलिटी के लिए कार्रवाई हो रही है कि एक बार कार्रवाई कर दी, फिर उसके बाद पूरे क्षेत्र से एक्सीडेंट दुर्घटनाएं आती हैं केवल ओवरलोड से, इस पे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की जाएगी? नहीं, इसमें जो नियम है नियमानुसार इनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है। मैम किस तरह का हादसा भी हुआ जिससे ये स्थिति पैदा हो गई? क्या हादसा हुआ जो स्थिति पैदा भी हो गई? क्या एक्सीडेंट कुछ हुआ? क्या हुआ जो ये स्थिति पैदा हो गई? यहाँ एक्सीडेंट नहीं है, एक ट्रक से वो स्कूल वैन को वो टक्कर मार दिया है, एक्सीडेंट। मेरा नाम डॉक्टर हरीश बाबू है। किस बात को लेकर के यहाँ बच्चे रोड पर बैठ कर पढ़ाई? सर यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या है वो वाहनों के चलने से है, जिससे हमारे यहाँ पर आने वाले बच्चे क्लब महाविद्यालय बांदा में और ये MS कॉन्वेंट बगल से विद्यालय चलता है, दूसरा आपका नवोदय विद्यालय चलता है, तो यहाँ से जो सुबह के वक्त जो हमारे यहाँ पर बस चलती हैं, छोटी छोटी गाड़ी चलती हैं, उसमें जो बच्चे आते हैं उसकी वजह से बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ये भारी वाहन जो यहाँ से निकलते हैं उसकी वजह से सुबह बच्चे आ नहीं पाते हैं। आज की तो ऐसी समस्या हुई सुबह 7 बजे की कि बहुत बड़ा हादसा होते हुए बचा है, तो ट्रक वाले बहुत ज़्यादा स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, ट्रैक्टर वाले बहुत ज़्यादा स्पीड से चलाते हैं, कि बालू खदान की वजह से ये समस्याएँ हो रही है, इससे पहले ऐसी समस्याएँ नहीं होती थी। तो हम चाहते हैं कि प्रशासन कुछ ऐसी व्यवस्था करे जिसकी वजह से शिक्षा प्रभावी ना हो। यहाँ कौन सी खदान संचालित है? ये दुरेड़ी की खदान संचालित है, यहाँ पर बगल में चल रही है इसके, तो इससे वजह से कोई समस्या बहुत भारी समस्या है। यदि आज का हादसा हो जाता तो शायद प्रशासन इसके बाद इसमें ध्यान दे तो ये बहुत बड़ी कमी है। कितनी देर से यहाँ पे बैठे हुए हैं? हम लोग सुबह से यहाँ पर बैठे, अभी तक प्रशासन किसी तरीके से नहीं आया? अभी तक कोई यहाँ पर तक नहीं आया है। और क्यों नहीं आया, क्या लगता है प्रशासन क्यों नहीं आ रहा है? प्रशासन इसके बारे में ध्यान देगा, जैसे ही जानकारी मिलेगी तो जरूर आएगा, लेकिन अभी शायद उनको जानकारी न मिल पाई होगी। हमें लगता है कि शायद प्रशासन इस बात का इंतजार कर रहा है कि कोई हादसा हो जाए तभी गाड़ी के हॉर्न बजते हुए हेव हेव करते हुए आएगी गाड़ियां, और बाद में क्या होगा दुख व्यक्त करेंगे और कुछ नहीं होने वाला। हम चाहते हैं कि इससे पहले यदि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो जाए जिससे जो है शिक्षा प्रभावी ना हो और शिक्षकों को और छात्रों को दिक्कत ना हो। पेश है बांदा से अरबाज खान की खास रिपोर्ट।